सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक अनिस यूट्यूब चैनल में। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो आपने कभी नहीं देखी होगी या फिर आपने आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो आपको बता देना चाहूँगा आज हम इस तरह से देखने वाले हैं कि एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। ओके, लेकिन वो किस तरह से बनाने वाले हैं, हमें एक PHD होगी। ओके, एक डिज़ाइन होगी, उसको जो है PHD टू कन्वर्ट HTML में करने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो डिज़ाइन है उसे किस तरह से फोटोशॉप में स्लाइस करते हैं, क्योंकि उसके जो इमेजेस हैं वो पहले हमें वहाँ से निकालने होंगे। ओके, उसके बाद जो हमें बूटस्ट्रैप का जो है सेटअप करेंगे। ओके, बूटस्ट्रैप का सेटअप करने के बाद हम जो है अच्छे से वो जो PHD है उसको जो है कन्वर्ट HTML में करेंगे। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो PHD दिखाई दे रही है। ओके, तो आप देख सकते हो PHD मतलब ये जो डिज़ाइन है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से इसका लुक एंड फील है। तो इसे हम हूबहू HTML में कन्वर्ट करने वाले। मैं जूम कर आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक किस तरह से ये जो दिखाई दे रही है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से ये डिज़ाइन है। ओके, ये सबसे पहले इसका पार्ट है। ओके, ये जो है ऊपर से हेडर है। ओके, ये लोगो है और इस तरह से जो है आपको जो है मैं पूरा कन्वर्ट कर बताऊँगा HTML के अंदर कि किस तरह से हम। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर बना लेते हैं। ओके, ये फोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैं कुछ फोल्डर बनाता हूँ जो हमें काम के होंगे। ओके, सबसे पहले मैं एक बताता हूँ इमेजेस, यहाँ पर हम इमेजेस रखने वाले हैं। ओके, उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर हम जो है JS जो भी हो गया वो JS रखने वाले हैं। ओके, उसके बाद जो आपको काम में आने वाला है वो है इस तरह से आप CSS का जो है एक फोल्डर बना सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आपको कुछ अलग सा कुछ डालना होगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ओके, तो इतने तीन जो है हमें इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, एक इंडेक्स का जो पेज है वो बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ नोट पैड पर। ओके, यहाँ पर जो है मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, इसे मैं index.css नाम से जो है सेव कर लेता हूँ। ओके, index.html करके। ओके, तो मैं जो फोल्डर बनाता हूँ, जो मैंने फोल्डर रखा है वो रखा है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपको जो है सेव कर देना है इस तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है इंडेक्स नाम की जो एक फाइल आ चुकी है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो PHD आप दिखाई दे रही है जो डिज़ाइन है जिसको हम HTML कन्वर्ट करने वाले हैं, इसके जो इमेजेस है स्लाइस कर लेना है। ओके, तो किस तरह से आप स्लाइस कर सकते हैं वो हम सब देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी ऊपर वाला जो इमेजेस है, जैसे कि ये बैकग्राउंड दिख रहा है इसके ऊपर ये इमेज है। ओके, उसके बाद ये जो बैकग्राउंड की इमेज है या फिर ये जो इमेज है, इन्हें पहले स्लाइस कर लेना है। उसके बाद जो बैकग्राउंड में होगी इमेजेस उन्हें स्लाइस करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं जो है ऊपर वाले जो इमेज है वो स्लाइस कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिछले वाले पहले हाइड करना पड़ेगा। ओके, तो जो पिछले वाले जो इमेज है इसे मैं हाइड करते चलता हूँ। ओके, और सबसे नीचे जो है ये भी हाइड कर देता हूँ। देख सकते हो इस तरह से इसका बैकग्राउंड भी हाइड हो गया और ये भी हाइड हो गया। ओके, तो नीचे चलता हूँ, जो भी हाइड करने जैसा होगा वो सब कुछ हाइड करते चलते हैं। ये भी आपको हाइड करना होगा। ओके, ये भी, ये भी, ये भी, उसके बाद ये भी, इस तरह से आपको जो है हाइड करते चलना है। ओके, जो भी आपके काम का होगा, जिसके ऊपर भी कोई टेक्स्ट होगा या फिर जो इमेजेस होगी। ओके, जो आपको इमेजेस सबसे पहले क्लीन करना है ये, और जो ऊपर वाले इमेजेस है वो सबको स्लाइस कर लेना है। ओके, इसका भी काम हो जाएगा। ओके, अगर आप नीचे आते हो तो आपको ये इमेज स्लाइस करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पिछला बैकग्राउंड है आपको नन करना होगा। ओके, ओके, उसके बाद ये ऊपर वाले भी सब कुछ आपको चाहे नन करना होगी जो इसके ऊपर आए। ओके, तो फटाक से मैं जो इसे ये कर लेता हूँ तरह से। ओके, ये भी क्लीन हो चुका है। ओके, उसके बाद आपको ये जो इसके इमेजेस करना है, तो मैं सब सेम ही इमेजेस चार, तो मैं एक ही करता हूँ इसमें कि ये वाली आप देख सकते हो। उसके बाद ये भी क्लीन है। ओके, अगर आप नीचे आते हो
तो ये इमेज आपको चाहिए। ओके, तो आपको जो है इसके ऊपर का जो भी मटेरियल आपको निकाल डालना है। ओके, मतलब हेड करना है। ओके, इसे मैं हेड कर देता हूँ, इसे मैं हेड कर देता हूँ, ये इसे भी हेड कर देता हूँ, इसे भी हेड कर देता हूँ, इसे भी हेड कर देता हूँ। ओके, ये भी क्लीन हो गया। उसके बाद ये जो तीन इमेजेस हैं इसे आपको स्लाइस करना है, तो आपको क्या है ये जो है ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद है ये इमेजेस। ओके, तो आपको इसके ऊपर का सब कुछ है ऐड कर देना है सबसे पहले। ओके, यहाँ पर आप जो लोग हैं इसे निकाल देना है। फिर आप देख सकते हैं क्लीन हो चुका है। ओके, अब आपको देखना है किधर कुछ रह तो नहीं गया है जो आपको इमेजेस लग रही थी। ओके, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ स्लाइस टूल के ऊपर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड नंबर का स्लाइस टूल है। ओके, आपको सिंपल से इसे थोड़ा जूम कर लेना है इस तरह से। ओके, तो यहाँ से जो है आप इसे स्लाइस करना है इस तरह से। ओके, इसे आपने स्लाइस कर लिया। ओके, उसके बाद आते हैं ये इमेज के ऊपर, यहाँ से जो आपको स्लाइस कर लेना है इस तरह से। प्रॉपर आपको जो है ज़्यादा कम नहीं करना है, प्रॉपर से इसे कर लेना है। ओके, उसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पर एक इमेज दिख रही है। ओके, इस तरह। ओके, उसके बाद ये इमेज है, इस तरह से कट नहीं होनी चाहिए इमेज। ओके, उसके बाद जो ये इमेज है, इस तरह से। ओके, उसके बाद आते हैं कि जो नीचे वाले इसे हाइड कर देना चाहिए आपको। ओके, उसके बाद इस तरह से इस इमेज को स्लाइस कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये जो इमेज है इसे स्लाइस करते हैं। आपको जूम करना तो शॉर्टकट है कंट्रोल और माइनस का जो बटन है इस तरह से। अगर आप इसे सेम साइज से अगर इमेजेस हो तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है, अल्टर दबाना है और इसे खींच लेना है इधर इस तरह से। आप देख सकते हो इस तरह से। ओके, और आप ये सेम इमेज है तो आप इस तरह से यहाँ इसे खींच लेना है। ओके, तो मैं जूम आउट करता हूँ और नीचे की जो इमेज है इसे स्लाइस कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर जो मेरे ऊपर ऊपर जितने भी मैं दिख रहा सब कुछ स्लाइस हो चुके हैं। ओके, तो अब इन्हें हमें सेव करना है। ओके, तो आप क्या करना है, आपको जाना है फाइल के अंदर, फाइल के अंदर जाना है एक्सपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर जाने के बाद आपको जो है सेव फॉर वेब कर देना है। ओके, सेव फॉर वेब करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, तो इसे क्या करना है, आप दो हिस्सों में भी कर सकते हो या फिर आप इसको फोर अप भी कर सकते हो, लेकिन फोर अप करने में कोई सेंस नहीं है, आप टू अप में ही करते हैं। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में जो है आपका प्रीव्यू दिखेगा, यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो इसे आपको कुछ नेम दे देना है, तो यहाँ पर जो है मैं इसे नेम दे देता हूँ लोगो। ओके, उसके बाद जो ये इमेज है इसे डबल क्लिक कर कर आपको नेम दे देना है बैनर, बैनर अप, मतलब बैनर के ऊपर। ओके, इस तरह से। और मैं नीचे आता हूँ और ये जो इमेज थी इसे आपको है बॉटम में नाम देता हूँ। ओके, बॉटम नेम देने के बाद नीचे देखते हैं किधर ही इमेज कुछ। ओके, ये
जी विजय कराड़ी साइट में जो नेम है सर्विस नाम दे देता इसे मैं। ओके सर्विस नेम देने के बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये जो है मेन इमेज है यहाँ पर की। ओके तो आप देख सकते हैं इस तरह से, तो आप इसे IBM नेम दे सकते हो IBM। ओके इसे मैंने IBM नेम दे दिया। ओके नीचे आता हूँ। ओके इस तरह से यहाँ पर एक इमेज है, तो यहाँ पर मैं इसे आइडिया नेम दे देता हूँ। आपको नेम देते समय कुछ रिलेवेंट नेम देना है जो वो सेक्शन होगा उसके रिलेटेड, मतलब समझ में आना चाहिए कि इमेज किसकी है और किस तरह से आप जैसे यूज़ कर रहे हो तो आपको जो समझ आते हैं। ओके इस टेस्टिमोनियल के नीचे की इमेज है तो आप इसको टेस्टी भी नाम दे सकते हो। ओके या टेस्टिमोनियल भी नाम दे सकते हो, तो मैंने टेस्टिमोनियल नाम दे दिया। ओके इस तरह से उसके बाद ये जो ब्लॉक की इमेज है, ओके तो इसमें ब्लॉक 1 2 3 नाम दे देता हूँ। ब्लॉक 1 ओके उसके बाद जो है ब्लॉक 2 ओके मैंने नेम कॉपी कर लिया, मैं सभी से पेस्ट कर रहा हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद ये जो है इस तरह से चलेगा। ओके तो आप देख सकते हो इस तरह से ये नेम हो गए। उसके बाद नीचे आते फूटर की इमेज। ओके तो इस तरह से जो मैंने फूटर पे भी इमेज स्लाइस कर ली है। ओके उसके बाद आपको कर देना है सेव। ओके सेव करने के बाद आपका जहाँ भी फोल्डर है सबसे पहले आपको जाना है आपके फोल्डर के अंदर, आपको जहाँ सेव करनी है। ओके तो मुझे सेव करनी है इसके अंदर जो HTML है यहाँ पर इमेजेस है, यहाँ पर आपको सेव करने से पहले आपको यहाँ पर एक बार सेलेक्ट कर लेना है ऑल यूज स्लाइस, मतलब जो आपने स्लाइस सेलेक्ट किया है वही स्लाइस यहाँ पर आनी चाहिए। ओके तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके तो अब मैं जाकर चेक करता हूँ इमेजेस आया या नहीं। आप देख सकते हो जितने भी स्लाइस किए थे सब कुछ इमेजेस आ चुका है यहाँ पर। ओके ओके तो अब हमारे इमेजेस स्लाइस हो चुके हैं। ओके तो अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। ओके तो उसके पहले आपको क्या करना है, आपने जो इमेजेस यहाँ पर स्लाइस कर लिया आपको दिखाई दे रहा है। ओके आपको क्या करना है, आपको फोल्डर ओपन करना है विजुअल स्टूडियो में। ओके तो मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ये जो मेरा विजुअल स्टूडियो है ये ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम क्या करने वाले, इसके अंदर हम जो है कोडिंग करने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर हम कोड करने वाले हैं। ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसे उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके ऐसे मैं जाता हूँ ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। ओके जहाँ भी हमने फोल्डर रखा है हमें वहाँ पर जो है जाकर जो है इसे सेट कर लेना है। ओके तो मैंने ये फोल्डर यहाँ पर रखा है HTML का। ओके तो आप देख सकते हैं इस तरह से विजुअल स्टूडियो बहुत ही अच्छे से कोड करने के लिए जो है हमें काम आता है। ओके अब देख सकते हो यहाँ पर जो इस तरह से ये पूरा ब्लैंक है अब। ओके तो न्यू प्रोजेक्ट है हमने सेट करने के लिए, इसमें जो है इस तरह से इसे सेट किया है। ओके यहाँ से हम सब कुछ कोड डालने वाले हैं। ओके उसके बाद जो है आपको एक सिंपल से एक और एक फाइल जो है न्यू फाइल ले लेना है, इसे जो है आपको सेव कर लेना है css.css कर। ओके तो यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ से सेव कर लेता हूँ, इसे मैं मेन नाम देता हूँ। ओके और .css करके जो है लिख देता हूँ और css फोल्डर के अंदर इसे मैं सेव कर देता हूँ। ओके तो आप देख सकते हो एक css यहाँ पर आ चुकी है इस तरह से। ओके ये जो हमारा HTML का फाइल और ये हमारे css की फाइल। ओके तो अब हम जो है इसके अंदर जो है बूटस्ट्रैप का जो है सेटअप करने वाले हैं। तो किस तरह से बूटस्ट्रैप का सेटअप करने वाले हम देखने वाले। ओके अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके तो बीच बीच में आपको जो है ध्यान दिलाना पड़ता है क्योंकि आप भूल जाते हो। ओके तो अभी हम जो है अगला स्टेप हमारा ये होने वाला है कि जो बूटस्ट्रैप है उसका सेटअप हम करने वाले ऑनलाइन। ओके उसके जो लिंक्स है वे हम उसमें अटैच करने वाले हैं। ओके तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और यहाँ पर डालना पड़ेगा बूटस्ट्रैप 4। ओके हम बूटस्ट्रैप 4 में जो है बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर डालते हैं बूटस्ट्रैप 4 और एंटर कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर आपको जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर ओकर यहाँ पर
वो बूस्ट्रैप 4 सेलेक्ट कर लेना। ओके, बूस्ट्रैप 4 ऑलरेडी सेलेक्ट है। आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो कोड है यहाँ से इतना उठा लेना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा कोड। ओके, और यहाँ पर डाल देता हूँ कंट्रोल वी करके। आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर इतना कोड बूस्ट्रैप का आ चुका है। ओके, इसके अंदर बूस्ट्रैप का पूरा सेटअप आ चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो बूस्ट्रैप की सारी फाइल है, ऑनलाइन फाइल यहाँ पर कॉल हो चुकी है। आप देख सकते हो हेडर के अंदर जो है ये जो बूस्ट्रैप मीन्स CSS यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर जो है फुटर के अंदर यहाँ से 3 जो है GS फाइल आ चुकी है। ओके, यहाँ से मैं सेव हैज करता हूँ। ओके, सेव कर देता हूँ और आपको रन करके दिखा दो क्या दिखा दे रहा है। आपको जाना है फोल्डर के अंदर, यहाँ पर आपकी इंडेक्स फाइल है, यहाँ पर जाना ओपन विद, आपको क्रोम कर देना है। आप देख सकते हो इस तरह से जो है यहाँ पर फाइल दिखाई दे रही है। ओके, तो आपको क्या करना है, अब मेन जो फाइल है आपको इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये जो भी वेबसाइट दिखाई दे रही है टेम्पलेट। ओके, तो आपको इसका कन्वर्ट करना है HTML के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर। ओके, तो आप देख सकते हो पूरा ब्लैंक है, आप जो है कस्टम से बनाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करने से पहले आपको जो है पूरा CSS का सेटअप कर लेना है, जो फॉन्ट है कौन से फॉन्ट है ये सब कुछ आपको डाल लेना है। ओके, तो आपको दिखा देता है जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया है, ये रेलवे फॉन्ट से आप देख सकते हो इस तरह से। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा फॉन्ट यूज़ किया है रेलवे। ओके, तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल के ऊपर। ओके, यहाँ पर मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर और गूगल पर डाल देता हूँ गूगल फॉन्ट, क्योंकि आपको जो फॉन्ट यूज चाहिए गूगल फॉन्ट चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं गूगल फॉन्ट्स पर डाल देता हूँ इस तरह से, ये जो गूगल के फॉन्ट से यहाँ पर आ जाएंगे, जितने भी गूगल के फॉन्ट से सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए उसका यहाँ पर नाम जो है आपको डाल देना है। ओके, रेलवे की स्पेलिंग आपको जो है प्रॉपर देख लेना है। ओके, RA रेलवे। ओके, तो उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, रेलवे फॉन्ट्स। ओके, आपको एंटर कर देना है, या फिर अगर एंटर नहीं कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी उसकी फॉन्ट फैमिली आ चुकी है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको जो है यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है कि आपको कौन सी जो कौन सा फॉन्ट चाहिए, इसके अंदर जो वीड होती है कितना बारीक चाहिए डार्क चाहिए, आपको जो है यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है यहाँ से। ओके, तो मैं यहाँ से जितने भी सबको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, पर यहाँ पर दो पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ था, आपको एक जो है रिमूव कर देना है पहला वाला। ओके, यहाँ पर ओनली रेलवे रहना चाहिए जो आपको जो है आसानी होगी। ओके, यहाँ से मैं जितने भी सब है सबको यहाँ से जो है क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं, आप देख सकते हो इस तरह से जितने सबको मैंने प्लस कर लिया, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरे सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको जो है एक लिंक मिलेगी। ओके, इसे पूरी कॉपी कर लेना है आपको यहाँ से पूरी। ओके, यहाँ से मैं राइट क्लिक कर यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। आपको जाना होता है हेडर में। ओके, हेडर के अंदर ये जो लिंक है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ओके, तो इस तरह से। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो है लिंक पेस्ट कर दिया और कंट्रोल यस या फिर सेव कर दिया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके अंदर जो नीचे वाली जो एक रूल्स होता है CSS का, इस तरह से कॉपी कर आपको जो है CSS की फाइल में आना है, ये हमारे CSS की फाइल यहाँ पर आप यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो इस तरह से। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पूरे वेबसाइट में चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक CSS देना होती है बॉडी, और बॉडी के अंदर जो है आपको यहाँ पर वो पेस्ट कर देना है फॉन्ट फैमिली इस तरह से, और कंट्रोल यस करना है, या फिर आप फाइल में जाकर सेव भी कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये जो फॉन्ट है पूरे बॉडी को आपका पूरी जो वेबसाइट है उसको अप्लाई हो जाएगा। ओके, इस तरह से। अभी मैं आपको जो यहाँ पर जो हमने पहले रन की थी सही यहाँ पर। ओके, तो अब हम जो मेन चीज के लिए रेडी है, हम अब जो है HTML कन्वर्ट करने वाले हैं। हमने सब बेसिक देख लिया कि किस तरह से हम जो है इमेज को स्लाइस कर सकते हैं, किस तरह से हमने सब सेटअप कर लिया है। ओके, द फोल्डर सेटअप हो गया है। ओके, सब कुछ सेटअप हो गया, अब हम जो कोडिंग के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हम सबसे पहले जो है ये पहला वाला सेक्शन बनाते हैं ऊपर वाला। ओके, सबसे पहले हम जो क्या करना है, एक बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड कॉल कर लेना है, उसके बाद ऊपर जो है मेनू डाल लेना है। ओके,
ओके, तो हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। ओके, यहाँ पर तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में कुछ सिखाया हुआ है आपको कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये सब कुछ स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। सबसे पहले ऊपर होता है एसटी डॉग, उसके अंदर होता है हेड, और हेड यहाँ पर क्लोज, उसके बाद होता है बॉडी, और बॉडी यहाँ पर जो है क्लोज, और ये एचटीएमएल यहाँ पर लास्ट में क्लोज होता है। ओके, तो ये हम सब कुछ जो भी कोडिंग करने वाले, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था एचटीएमएल सब कुछ टैग होते हैं, टैग के अंदर आपको जो है सब कुछ कोडिंग करना होती है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन के अंदर हमारा सब कुछ टैग सब कुछ आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम ड्यू स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया होगा कि ड्यू क्या है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो सबसे पहले हमको इस तरह से सेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड इमेज कॉल कर लेनी है। ओके, तो सबसे पहले हम ड्यू यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किस तरह से आप सब कुछ फॉलो करना है आपको। ओके, सबसे पहले ड्यू, ओके, इसके अंदर क्लास एक जो है कंटेनर फ्लूड में डाल लेता हूँ। ओके, इसे आपको क्लोज करना है। ओके, यहाँ से क्लोज करते हैं और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कोडिंग के इसमें नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल सा कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर जो है। ओके, टाइप करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसके अंदर कंटेन और यहाँ पर जो है यहाँ पर रो। ओके, तो आपको इतना जो है इतना स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जहाँ से भी आप न्यू सेक्शन क्रिएट करोगे तो इतना आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से सबसे पहले आपको लेना है कंटेनर फ्लूड, उसके बाद लेना है कंटेनर, उसके बाद लेना है रो, ये कंपलसरी आपको लेना है। इसके अंदर आपके सब कॉलम आने वाले हैं। ओके, जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर जो कॉलम होंगे तो इस तरह से जो है परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो इतना स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। ओके, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हो आपको जो है एक बैकग्राउंड कॉल करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो कंटेनर फ्लूड होता है ये पूरा होता है, पूरा का मतलब जो आप जो देख सकते हो पीवीटी के अंदर, यहाँ से जो यहाँ पर ये जो कंटेनर है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो भी कुछ आएगा वो कंटेनर के अंदर आएगा, और इसके जो बाहर जाएगा मतलब ये जो इमेज दिख रही है कंटेनर इतना है, 1200 का जो कंटेनर आपको दिखा दे रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है कंटेनर 1200 का या 1100 का इस तरह से हो सकता है। ओके, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो कंटेनर सब कुछ इसके अंदर ही, इसके बाहर जो भी है वो सिंपल सी इमेज होगी, ये इमेज बाहर जाएगी। इसके बाद जो कंटेनर होगा, जो टेक्स्ट होगा, इसके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है वो 1200 का है। इसके अंदर ही आप पूरी वेबसाइट देख सकते हो, यहाँ से ऊपर से नीचे तक जो भी आप देखना चाहोगे। ओके, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, जो भी आप देखोगे इसी के अंदर है, 1200 के अंदर ही, बाहर नहीं गया, जो भी गया वो जो कलर गया होगा या फिर जो है इमेज गई होगी, इसके व्यतिरिक्त तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, जितना भी टेक्स्ट होगा इसी के अंदर आएगा, आप देख सकते हो इसके अंदर। ओके, तो इसलिए आपको जो स्ट्रक्चर बनाते टाइम कोडिंग करते वक्त भी ध्यान रखना है कि 3 सेक्शन लेना है, और इसके अंदर जो है कंटेंट के अंदर सब कुछ आपका टेक्स्ट आएगा। अगर आपकी इमेज होगी या फिर कलर होगा तो आपको जो है इस कंटेनर फ्लूड को पास करना होगा जब वो पीछे आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर एक क्लास ले लेते हैं बैनर नाम का, हमें जो है इमेज कॉल करनी है। ओके, तो इसे क्लास को आपको कॉपी करना है और जाना है सीएसएस के अंदर। ओके, सीएसएस के अंदर आपको जो है क्लास पास कर देना है, और उसके अंदर आपको इमेज कॉल करनी है। इमेज कॉल करने के लिए आपको डालना होता है बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड का आगे आपको लिखना होता है URL, इस पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद आपको जो है आपका जो इमेज का पाथवे वो डालना है, आपको डालना है SSS क्लोज। ओके, उसके बाद आपको डालना है इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आपकी जो भी इमेज है बैनर इमेज है इस तरह से आपको कॉल कर लेनी है। ओके, उसके अंदर उसके आगे आपको कुछ सीएसएस देना होती है। ओके, आप जैसे टाइप करोगे तो आगे आपको कुछ सजेस्ट करेगा, तो आपको यहाँ पर नो रिपीट लिख देना है। उसके बाद आपको जो है बैकग्राउंड साइज कवर दे देनी है। ओके, यहाँ पर मैं आता हूँ बैकग्राउंड साइज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड साइज कवर आपको जो है दे लेनी है। ओके, आपको जो बैकग्राउंड साइज कवर लिख लेनी है। ओके, उसके बाद आपको देना होता है विथ 100% देना होती है। ओके, तो यहाँ पर आप जो है विथ 100% भी दे दीजिए। ओके, उसी के साथ जो हम जो है थोड़ा उसकी हाइट दे देते हैं, जो भी कुछ हाइट होगी, फॉर एग्जांपल मैं 500 दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस कर, और यहाँ भी कंट्रोल एस कर सेव कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ ब्राउज़र पर, और यहाँ पर चेक करता हूँ इमेज कॉल हुई या नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज कॉल नहीं हुई है। ओके, तो हम यहाँ पर देखते क्यों कॉल नहीं होगी। ओके, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो बैनर। ओके, और यहाँ पर सीएसएस के अंदर आप देख सकते हो ये जो इमेज है, आप जो है डबल कोड अगर लगाना चाहो तो यहाँ पर आप डबल कोड भी लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर डबल कोड के अंदर आपको जो है
ये डाल देने हैं आपके जो पाथ है वो। ओके फिर से मैं सेव करता हूँ, जाता हूँ यहाँ पर फिर से चेक करता हूँ, इमेज नहीं आई। ओके यहाँ पर आपको देख लेना है प्रॉब्लम क्या हो रहा है। यहाँ पर बैनर तो कॉल कर दिया है। ओके सेस ओके यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी सिंपल सी बेसिस मिस्टेक क्या है, हमने जो सेसेस ये बनाई है इसे कॉल ही नहीं किया, मतलब जो हमें हेडर के अंदर इसे कॉल करना होता है। ओके तो हेडर के अंदर हमें कॉल करना होता है, मतलब अटैच करनी होती है ये जो फाइल है। ओके तो यहाँ पर जो है मैं इमेज यहाँ पर से कॉल कर देता हूँ। ओके आपको कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर लिखने पड़ता है लिंक। ओके लिंक के अंदर आपको लिखने पड़ता है या चार एफ। ओके और यहाँ पर जो उसका जो पाथ है वो आपको डाल देना है। ओके तो मैंने सीएसएस फोल्डर के अंदर ये जो है सीएसएस फोल्डर के अंदर मैंने दिया है मेन सीएसएस। ओके इस तरह से जो है मैंने ये आप देख सकते हो ये इमेज कॉल कर ली। ओके और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ओके तो अब ये अटैच हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ फोल्डर पर चेक करता हूँ, अब भी नहीं आई। ओके तो आप देख सकते हो कि बैनर आ चुका है। ओके इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग थी, जैसे आप जो लिंक लिखते हो उसके अंदर रियल स्टाइल शीट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं लिखते होते अप्लाई नहीं होती, आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरह से प्रॉब्लम आ सकता है आपको। अगर मैं ऐसे निकल देता हूँ सेव करता हूँ यहाँ पर जो रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है ये जो इमेज है चली गई। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जो है इसका रियल जो भी उसका जो स्टाइल शीट है, जो भी उसका जो नेम है या फिर जो कुछ भी उसका फॉर्मेट है आपको यहाँ पर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके इस तरह से आप देख सकते हो ये इमेज कॉल हो चुकी है। ओके इस तरह से आप देख सकते हो पीछे जो हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं। ओके इस तरह से ये जो इमेज फुल कर लेता हूँ इस तरह से। ओके इमेज तो आ चुकी है, आपको क्या करना है उसके बाद आपको ऊपर वाला सेक्शन बनाना है। ओके ये जो देख रहे हैं नया बार उसके लेफ्ट साइड में है लोगो, तो सबसे पहले आपको जाना है बूटस्ट्रैप के ऊपर और यहाँ पर सर्च कर देना है नया बार। ओके जैसे आपको बूटस्ट्रैप के ऊपर सब कुछ रेडीमेड मिलने वाला है, आपको सिर्फ उसके अंदर जो है एडिट करना है कुछ बातें। ओके तो नया बार एडिट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से नया बार दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से इतना कोड कॉपी कर लेना है। ओके कॉपी कोड करने के बाद आपको जो है आपका जो फोल्डर आपने जैसे स्ट्रक्चर बनाया था ये तीन, इसके अंदर रो के अंदर आपको डाल देना है इस तरह से। ओके और आपको जो है कंट्रोल एस कर देना है या फिर सेव कर देना है। ओके अब जाकर आप जो है आपके ऊपर जो है इसे रिफ्रेश करना है, तो आप देख सकते हो इस तरह से नया बार यहाँ पर पूरा आ चुका है। ओके इसके अंदर आपको कुछ कस्टमाइज करना होता है वो आपके हिसाब से, जैसे आपकी वेबसाइट होगी आप देख सकते हैं इस तरह से आपका कुछ ट्रांसपेरेंट है उसके ऊपर जो है आपके ये जो न्यायवार के जो लिंक्स है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। इसके अंदर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा कोड के अंदर। ओके जो जो आपको नहीं चाहिए आपको यहाँ से निकाल देना है। ओके इसके अंदर जो मुझे लिसिव लिंक चाहिए और ये जो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से कुछ कोड निकाल दूंगा। ओके आप देख सकते हैं नया बार के सब कुछ येला है, आपको इसके येला के अंदर जो यूएन है इतना वाला उसके अंदर कुछ ये येला दिए गए हैं, आपको डिसेबल वाला जो है ये डिसेबल वाला नहीं चाहिए, ये सर्च वाला नहीं चाहिए और सर्च का बटन नहीं चाहिए। ओके तो आप यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो ये जो है सर्च का फॉर्म है, यहाँ से आपको निकाल डालना है। और उसके बाद जो है नया डिसेबल का है ये भी येला नहीं चाहिए। ओके उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए, यहाँ पर इतना मैं निकाल देता हूँ। ओके इस तरह से मैंने इसे जो है निकाल दिया। ओके और यहाँ पर मैं कंट्रोल यस कर देता हूँ या फिर आप सेव एज कर सकते हैं। ओके अब जाकर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर ये निकल गया या नहीं, रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ लिंक बची है, आपके जो नया बार का जो टैग लगा हुआ है। ओके इसके बाद आपको क्या कर लेना है, आपकी जो लिंक्स है इसके अंदर डाल देने। ओके जो भी आपने लिंक्स बनाए हैं। ओके जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर होम है, यहाँ पर लिंक्स है। ओके तो मैं मेरे जो लिंक्स है यहाँ पर कॉपी करके डालता हूँ, जो सबसे पहली है वो जो है होम, इस तरह से इसे कॉपी करता हूँ और मेरे कोड में जाकर इसे होम की जगह पेस्ट कर देता हूँ। ओके उसके बाद नीचे वाली लिंक्स है दो नंबर वाली। ओके अबाउट अस, ओके इसी के मैं कुछ कॉपीज ले लेता हूँ और नीचे डाल देता हूँ यहाँ पर जो है ये लाइक है मैं कॉपी लेता हूँ।
ओके, एक दो और तीन, ओके। उसके बाद सेकंड वाला है, सेकंड वाला था सर्विसेज, ये ड्रॉप डाउन है। इसे आपको ड्रॉप डाउन अगर डालना होता आपको सबसे पहले यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप डाउन दिया हुआ था, ये ड्रॉप डाउन यहाँ से इतना, तो आपको उठा लेना है। और आपके जो यलाय है जहाँ पर आपको डालना है अबाउट के बाद, इस यलाय के अंदर आप जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन डाल दियो। ओके, ड्रॉप डाउन का हमारा जो नेम था वो सर्विसेज था, ओके। उसे सर्विसेज कॉपी करते हैं नेम, और उसका जो ड्रॉप डाउन का जो नेम है ड्रॉप डाउन, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर आ गए सर्विसेज। उसके बाद हमारा अगला जो मेनू है वही कॉन्टैक्ट्स, ओके। आपके यहाँ पर फिर से कॉपी कर लेना है, ओके। और उसकी यलाय जो होगी, ये हमारी यलाय है, इसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो आपकी अगली जो लिंक है वो है ब्लॉग्स, ओके। इसे कॉपी करना है और आपके जो लास्ट वाली है इसे पेस्ट कर देना, ओके। इसे मैं कंट्रोल यस करता हूँ या फिर सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाता हूँ और चेक करता हूँ क्या हुआ है। देख सकते हैं आप, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट्स, ब्लॉग, इस तरह से हमारे जो है लिंक्स आ चुके हैं, ओके। तो यहाँ पर जो अबाउट उसका थोड़ा सा आपको जो है ओके अबाउट टस कर देना है, कंट्रोल यस करता हो और सेव कर देखता हूँ, ओके। इस तरह से हमारी ड्रॉप डाउन भी आ चुका है, आप देख सकते हो, ओके, इस तरह से, ओके। तो हमें इसे इस तरह से करना है जैसा हमारा है, ओके, आप देख सकते हो इस तरह से, ओके। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर न्यावार की जगह हमें लोगो हम जो है डाल लेते हैं हमारा, ओके। तो आप देख सकते हो न्यावार यहाँ है, तो आप क्या करना है, यहाँ पर इमेज कॉल करनी है हमारे लोगो की। तो आपको यहाँ पर इसे कट कर देना है, यहाँ पर जो इमेज का टैग होता है IMGSRC, ओके, एंटर करना है। उसके बाद जो इमेज का पाथ होता है इमेजेस / और जो इमेज रखी होगी जहाँ पर भी, ओके, logo.png, और आपको सेव कर देना है, ओके। मैं सेव कर देता हूँ और आता हूँ ब्राउज़र पर, चेक करता हूँ किस तरह दिखाई दे रहा है, इस तरह से, ओके। आपको क्या करना है, अब जो भी आपकी जो बैकग्राउंड है, आपका जो ट्रांसपेरेंट है, ओके, आपकी जो डिज़ाइन है ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आपको यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड को कलर दिखा रहे हैं, ओके, आपको तो यहाँ से रिमूव करना है। आपको जाना है यहाँ पर, देखना है कौन सी चीज़ें यहाँ पर लगी हैं, ओके। यहाँ पर आप बिजी लाइट, ओके, इसे हमें निकाल देना, आप देख सकते हैं इसे निकालने के बाद जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम जो जाते डिज़ाइन में, यहाँ पर जो है नया बार बिजी लाइट ये जो क्लास है इसे निकाल देते हैं, ओके। और कंट्रोल एस या फिर सेव कर जो है ब्राउज़र पर जाते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर ये चला गया, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ट्रांसफ़र हो चुका है इस तरह से, ओके। अब आपको जो है ये जो मेन्यू इसे कलर देना है, ओके। तो जब से आप राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ सब मॉडिफाई करना है, आपको देखना है कौन सा क्लास लगा हुआ है, एंकर, ओके, एंकर टैग का यहाँ पर लिख, आपको यहाँ पर जो है कलर दे देना है इस तरह से। कलर आप जो है वाइट दे सकते हो, ओके, ओके। तो यहाँ पर ये नहीं ले रहा, ओके। तो आप देख सकते हो इसे लिंक यहाँ पर, आपको यहाँ पर जो है कलर दे देना है इस तरह से, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी नहीं ले रहा, ओके। तो ऐसे आपको चेक करना है जो है कहाँ पर यहाँ पर सेट होगा, ओके। आपको चेक करते रहना है यहाँ पर जो है आपकी न्यावार की जो लिंक है एंकर के अंदर है, ड्रॉप डाउन न्यावार ड्रॉप डाउन या फिर क्लास न्याव लिंक, इसमें आप दे सकते हो, ओके। तो आपको ढूंढना है ये जो है कहाँ पर है, तो इसे मैं फिर से क्लिक करता हूँ एंकर पे, यहाँ पर आपको जाना है क्लास कलर, और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो कलर है, ये जो क्लास है, इसे आपको जो है मॉडिफाई करना है। आपको यहाँ से एक क्लास कॉपी करना है, ओके, जाना है CSS में, ओके, यहाँ पर क्लास डाल देना है, यहाँ पर जो आपने दिया था कलर, ओके, कलर वाइट वाला, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कलर के अंदर डालना है कलर, और यहाँ पर जो आपको FF डाल देना है इस तरह से, अब चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से। और ये जो एंकर टैग है, ये जो है एक्टिव टैग है, इसे हम जो अलग कलर दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जो है हमारी वेबसाइट के अंदर अलग कलर दिया है ये वाला, ओके। तो यहाँ से आप कलर कोड जो है कॉपी कर लेते हैं, ओके, इस तरह से। और जो है अब देखते हैं जो एक्टिव है, यहाँ पर जो आपको ऊपर जाना है, यहाँ पर जो आपको होवर पर एक्टिव कर देना है, ओके, ये क्लास यहाँ पर है शायद ये वाला, यहाँ पर आप जो है
कलर ओके, यहाँ पर आप जो है हैश लगा कर ये जो कलर अप्लाई कर सकते, इस तरह से आप देख सकते हो कलर आ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो क्लास है कॉपी कर लेना है ओके। उसके बाद जो आपको जो है यहाँ पर जो है कलर दे देना है ओके। कलर क्या था, कलर कोड आपको जो आपने यहाँ से उठाया था, ये कलर कोड मैं फिर से यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ ओके। यहाँ से इस तरह से ओके, इसे सेव कर लेता हूँ ओके। इस तरह से आप देख सकते हो इसको कलर भी आ चुका है ओके। तो आप देख सकते हो फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी है ओके, और जो हमारी है जो डिज़ाइन के अंदर है थोड़ी सी बड़ी वाली दिखाई दे रही है, और फॉन्ट भी थोड़ा सा डार्क वाला है ओके। तो आपको फिर से कुछ सी एस एस देना होती है ओके। जो ऊपर वाला इसे हमने सी एस एस दी थी, इससे जो है हम फॉन्ट वेट देते हैं ओके, फॉन्ट वेट देते हैं 500 ओके। इस तरह से आप देखोगे ये फॉन्ट साइज हमें नीचे भी देना होगी जो सेम दिखाई दे ओके। जो नीचे वाले सी एस एस है यहाँ से मुझे इंटर करके यहाँ पर ले लेता हूँ ओके। यहाँ पर उसे सेव कर देते, कंट्रोल यस करके यहाँ पर फाइल में जाकर सेव करता हूँ ओके। अब आता हूँ और चेक करता हूँ रिफ्रेश कर कर, आप देख सकते हो थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है, आप देख सकते हो ओके। तो मुझे ये जो है ये मुझे चाहिए राइट साइड में ओके, इधर चाहिए। तो इसे आपको एक सी एस एस का एक क्लास डालना होगा ओके। आप देख सकते हो किस तरह से जो राइट में आ गया, लेफ्ट में ये जो लोगो आ चुका है ओके। तो हमें जो है इसे थोड़ी सी मार्जिन देना है और लेवल में कर लेना, आप देख सकते हो इसके अंदर थोड़ा सा नीचे है और यहाँ पर भी है नीचे में ओके। तो हम जो है कंटेनर को ही थोड़ा नीचे ले लेते, क्लास दे देते कंटेनर को, ये जो कंटेनर है ओके। जैसे क्लास पार्ट करते हैं मार्जिन आपका ओके, और इसे जो है कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है सी एस एस में डाल देते हैं ओके। तो इसे सी एस एस अप्लाई करते हैं ओके। तो इसे हम पैडिंग देते, पैडिंग टॉप ओके, पैडिंग टॉप देते हम इसे जो है 5% देते हैं ओके। उसके बाद जो मार्जिन पैडिंग बॉटम है ये भी हम इसे जो है 5% देते हैं ओके। और चेक करते हैं क्या हुआ है ओके, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर भी सेव करना होता है ओके, इंडेक्स फाइल और मेन फाइल ओके। उसके बाद जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, आप देख सकते हो 5% बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमें नॉर्मल सा 1% देना चाहिए ओके। तो हम जाते हैं सी सी एस के अंदर ओके। तो यहाँ से जो हमने 5% दिया था उसे करते 1% ओके, और आप जो यहाँ पर चेक कर सकते हो ओके। तो इस तरह से ये तो ओके हो गया, लेकिन इसे भी हमें थोड़ा नीचे लाना रिक्वायर्ड, क्योंकि जो आप डिज़ाइन में देख सकते हो ये थोड़ा सा नीचे है ओके। तो आप देख सकते हो आपको कितना चाहिए, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस तरह से जो है यहाँ पर ओके। तो अगर मैं यहाँ से मैं पैडिंग टॉप करता हूँ और यहाँ से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि कितना लगेगा, पैडिंग टॉप यहाँ से मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल ओके। तो आप देख सकते इस तरह से इतनी चाहिए, इतनी आ गए। अगर मैं और देता हूँ, चेक करता हूँ कुछ इस तरह से ओके, तो इतना ओके है, ये भी पूरा 100 कर देता हूँ सब इस तरह से। अगर आपकी इसमें चेक करोगे तो बहुत कम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है ओके। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर ही रहने देता हूँ या इतना 34 ठीक है ओके। तो एक तो आप इसे क्लास भी पास कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपको जो है यहाँ पर एक क्लास पास करते हैं ये अच्छा रहेगा ओके। यहाँ पर हम जो है टॉप पे ऐड कर जो है एक क्लास दे देते हैं टॉप पे ऐड ओके। ये जो क्लास है इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल यस करते हैं, सी एस एम जाते हैं, यहाँ पर जो है क्लास जो है पेस्ट करते हैं, और इसकी जो है पैडिंग टॉप जो हमने दी थी 34 पिक्सल यहाँ पर दे लेते हैं ओके, 34 पिक्सल। और यहाँ पर जो है सेव कर लेते हैं, जाते फिर से चेक करते अप्लाई हुई या नहीं, यस अप्लाई हो चुकी ओके। फॉन्ट साइज मुझे लगता है इसकी फॉन्ट साइज कुछ बड़ा नहीं चाहिए ओके। तो यहाँ पर जाते हैं जो हमने सी एस एस यहाँ पर जो इसकी जो नया वाले की सी एस एस है इसके अंदर जो है हम फॉन्ट साइज भी लिख देते ओके। फॉन्ट साइज हम चेक करते हैं, फॉन्ट साइज हमने कितनी दी थी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे फोटोशॉप में, यहाँ पर आपको जो है फॉन्ट साइज दिखाई देगी 18 हमने दी है। तो हम जो है आते यहाँ पर देते हैं फॉन्ट साइज 18 ओके, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। इस तरह से सेव कर लिया, यहाँ से आते चेक करते हैं
ओके आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जाड़ और जो उसकी थिकनेस है आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है, लेकिन जो आप यहाँ पर आओगे तो थोड़ा सा नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है। इसका फॉन्ट जो फॉन्ट वेट है थोड़ा बढ़ाते हैं, 60 करते हैं, 600 करते हैं, ओके सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं चेक करते हैं, ओके तब ओके लग रहा है ओके। लेकिन जो होम का जो है ये थोड़ा सा एक्टिव जो बटन है वो थोड़ा सा थिकनेस में कम लग रहा है, तो आपने जो ऊपर दिए वही आपको नीचे भी दिए फॉन्ट वेट, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ओके, और यहाँ पर आकर जो है फिर से पेस्ट कर देता हूँ ओके यहाँ पर। और अब यहाँ पर चेक करते हैं ओके, अब देख सकते हैं दोनों इक्वली हो चुके ओके। इसका हावर कलर कुछ अलग करते हैं, आप देख सकते हो ब्लैक हावर कलर आ रहा है, तो इसका जो कलर है हम जो है इसी का जो एक्टिव कलर है ये वाला ओके इसे डालते हैं, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जाकर आप जो हावर पे चेक कर से हावर का क्लास दिए हावर का क्लास आप देख सकते हो ओके। आपको सिंपली से करके यहाँ पर पास करना है, तो आप देख सकते हो जो भी एक्टिव होगा ओके, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ ओके अपने सेशन फाइल में ओके, और यहाँ पर हावर के अंदर जो हमने क्लास पास किया है ये वाला इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, या फिर आप फाइल के अंदर जाकर सेव भी कर सकते हैं ओके। यहाँ से आप फिर से रिफ्रेश करते हैं तो ये आ जाएगा, आप देख सकते हो हावर के अंदर ये क्लास आ चुका है ओके, इसका ड्रॉप डाउन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ओके। उसी के साथ साथ हम जो है रिस्पॉन्स भी चेक कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एम दबाकर जो है आ रहा है या नहीं ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गायब हो चुका है सिंपली सी ओके। हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो आर्ट है जो इंडेक्स 9999 ओके, तो उसके बाद हमारा जो नीचे का एक सेक्शन बनाना है ओके, तो हमें इसे दो कॉलम में डिवाइड करने वाले हैं, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम ओके। तो चलते हैं हमारे कोडिंग के अंदर ओके, हमारा नया बार आप देख सकते हैं हमारा नया बार ओके हो चुका है, आप देख सकते हो नया बार ओके इस तरह से ओके। और कुछ माइनर चेंजेस होंगे तो हम जो नीचे करने वाले हैं उसके ऊपर हमें डिफाइन करेंगे कितना देना है कितना नहीं देना ओके। आप देख सकते हैं इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओके इस तरह से ओके। तो हम नीचे का सेक्शन कर लेते हैं फिर से, आपको जैसे कि मैंने आपको कहा था आपको फिर से जो है न्यू सेक्शन करने के लिए फिर से आपको इसके अंदर जो है आप देख सकते हो यहाँ पर आपने एक रो डाला था ओके, इसी के अंदर आपको फिर से एक जो है रो डालना है यहाँ पर जो है ओके, यहाँ पर जो है इसी रो को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ ओके। आप देख सकते हो रो यहाँ पर क्लोज हो चुका है ओके, यहाँ से फिर से आपको एक रो डालना है मेरे ख्याल से जो रो है यहाँ क्लोज हो जाता है, एक ड्यू आपका क्लोज करने का बाकी है यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से। अब मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हुआ है, देखिए आप राइट यहाँ पर क्लोज हुआ है ओके। यहाँ से मैं अगर रो को क्लोज करता हूँ और ये रो यहाँ पर है ओके, इसके बाद मैं फिर से जाता हूँ ड्यू क्लास, आपको यहाँ से फिर से एक रो ले लेना है ओके। रो लेने के बाद यहाँ पर एंटर देने के बाद आपको जो दो कॉलम करना है, तो आप जो है ड्यू क्लास कॉल एम डी आप दे सकते हो, कॉल एम डी आपको देना है 6 ओके। उसके बाद आपको ये क्लोज कर लेना है ओके। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, इसे फिर से कॉपी करना है ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है फिर से दो कॉलम 6 के मैंने लिए ओके। तो मुझे ये सेक्शन बनाना है, ये एक और एक ओके। तो 12 कॉलम के हिसाब से ये 6 में इतना आएगा और एक में इतना आएगा ओके। सबसे पहले हम इसे जो है बना लेते हैं ओके, इस सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं टेस्ट डाटा मैट्रिक्स को ओके। जो पहले वाले 6 में हम इसे डालते हैं, यहाँ से मैं एक ड्यू ले लेता हूँ सबसे पहले ओके, इसके अंदर नाम दे देता हूँ हेड ओके, इसे क्लोज कर देता हूँ ओके। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो सबसे पहले जो है आपको ऊपर वाला सेक्शन बनाना है, तो सबसे पहले टेस्ट है ओके। तो इसे हम जो लेते हैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मुझे H4 में लेता हूँ ओके। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर लिखता है H4 ओके, H4 और यहाँ पर H4 क्लोज कर देता हूँ ओके। इसके अंदर जो है जो भी टेक्स्ट है वो डालता हूँ, और इसे कंट्रोल एस कर सेव करता हूँ, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देखता हूँ, यहाँ पर ये आ चुका है
ओके तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो है सेक्शन थोड़ा सा नीचे है। आप देखोगे इसके अंदर, आप देखोगे इतना सी गैप है, लेकिन ये जो इमेज है ये जब आप डालोगे तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। सबसे पहले इसका जो फॉन्ट साइज आप देख सकते हो 23 है और कलर जो है वाइट है। ओके तो मैं CSS में आ जाता हूँ। CSS में आने से पहले आपने हेडर का एक क्लास दिया, हेडर के अंदर जो है H4 है। ओके तो आप यहाँ पर आपको CSS कुछ इस तरह से लिखना है, इसके अंदर जो H4 है इसे H4 इसे क्लास देना है, इसे आपको कलर देना है वाइट। ओके उसके बाद इसके फॉन्ट साइज आपको देना है 23, जितनी आपने यहाँ पर दी है उतने आपको जो है फॉन्ट साइज यहाँ पर देनी है। ओके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ वाइट कलर आया है नहीं। आप देख सकते हो वाइट कलर यहाँ पर आ चुका है। ओके उसके अंदर आप देख सकते हो उसके नीचे एक सेक्शन है इस तरह से, ये इसे आप कॉपी कर लेते हो और इसे मैं जो है H2 दे देता हूँ ना। ओके फिर से आ जाता हूँ मैं अपने HTML की फाइल में। ओके और H4 के नीचे मैं लेता हूँ H2। ओके H2 लेने के बाद इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके तो यहाँ से मैं लेता हूँ H2। ओके H2 और इसे क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ओके रिफ्रेश कर देखता हूँ किस तरह से दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से आ चुका है। ओके तो हमारी जो डिज़ाइन है उसके अंदर जो आप देख सकते हो आइडिया के बाद जो है नीचे ऐड आया हुआ है, तो आपको भी कुछ इस तरह से करना है। जहाँ से आपका यहाँ से आपको BR दे देना है। ओके BR देने की वजह से वो जो है नीचे आ जाएगा। आप देख तो रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो आइडिया के नीचे जो है नीचे आ चुका है। ओके तो इसकी मैं CSS दे देता हूँ। CSS किस तरह से देना है आपको जाना है फोटोशॉप में, इसे चेक करना है। ओके तो इसकी जो फॉन्ट साइज़ है 53 और कलर वाइट है। ओके तो आपको क्या करना है, आपको आना है CSS के अंदर। ओके इसके CSS में यहाँ पर। ओके तो आप देख सकते हो वो जो है हेड के अंदर। ओके जो क्लास है हेड के अंदर जो आपके H2 है, ओके उसकी जो फॉन्ट साइज है आप देख सकते हो जैसे कि आपने देखा था 53 है पिक्सल। ओके उसका जो कलर है वो है वाइट। ओके तो मैं यहाँ पर जो कलर दे देता हूँ। ओके सेव कर लिया मैंने यहाँ से जाकर। ओके आप ब्राउज़र पे जाते हो और चेक करता हूँ ये जो कलर है ये वाइट हुआ या नहीं। ओके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो इस तरह से इसका जो है CSS से आ चुका है। ओके तो मैं चेक करता हूँ क्या डिफरेंस दिख रहा है इसके अंदर। ओके ये थोड़ा नीचे चाहिए। ओके थोड़ा नीचे चाहिए और ये जो न्यू है इसका कलर थोड़ा अलग है। ओके तो थोड़ा इसे मैं नीचे ले लेता हूँ पैडिंग देकर। आप जाते हैं यहाँ पर इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग आप फिक्सड टू फिक्सल अगर काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी इस तरह से चेक कर सकते हो जिससे कितनी पैडिंग दी गई हुई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हाइट के अंदर 36। ओके तो आपको यहाँ पर जाना है और पैडिंग आपको देनी पैडिंग टॉप 36 पिक्सल। ओके इस तरह मैं 36 पिक्सल दे दिया और मैं जाकर चेक करता हूँ कितना नीचे आया, रिफ्रेश करता हूँ देखते हो इस तरह से। ओके तो आपको जो है ये जो इसका कलर चेंज करना है। आप देख सकते हो डिज़ाइन के अंदर ये जो है इसका कलर अलग है। जो इसका कलर है इस तरह से मैं यहाँ से पिक करता हूँ इसका कलर ये वाला। ओके कॉपी करता हूँ और जो है आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो न्यू है इसे आपको स्पैम में डालना होगा। ओके तभी इसे आप जो है कलर दे सकते हो। ओके स्पैम टैग में आप डालते हो न्यू को, यहाँ पर मैं जाता हूँ। ओके और यहाँ पर जैसे क्लोज करता हूँ स्पैम को। ओके तो अब आपकी जो CSS है कुछ इस प्रकार आएगी हेड के अंदर। ओके हेड के अंदर आपने लिया है स्पैम और उसको आपको देना है कलर, तो आप यहाँ से इसे कलर दे सकते हो। ओके इस तरह से कलर जो आपने पिक किया था यहाँ से ये वाला। ओके आप जाते कंट्रोल यस करते हैं या फिर सेव के अंदर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। आप रिफ्रेश करके देखते हैं, देख सकते हो कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। ओके इस तरह से ये भी सेक्शन आपका जो है पूरा हो गया। उसके नीचे एक पैराग्राफ है इस तरह से, इसे आपको कॉपी कर लेना है। ओके टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर। ओके उसके बाद आप जाते हैं आपने लिया था H2 के नीचे आपको जो है पैराग्राफ लेना है, तो आप लेंगे P, इसे क्लोज करता हो और यहाँ पर आप पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कंट्रोल यस करते हैं या फिर आप जाते फाइल के अंदर सेव करते हैं, जाते ब्राउज़र पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैराग्राफ आ चुका है, लेकिन इसका कलर अलग है। यहाँ पर आप जाओगे तो इसका कलर है वाइट और जो इसकी फॉन्ट साइज है 16।
तो आपको जो ये CSS लिख लेना है, CSS के फाइल में जाना है। ओके, रास्ते में लिखते हुए हेड के अंदर जो है आपका डॉट देना है। डॉट देने के बाद आप लिखना है हेड, हेड के अंदर है प्रिपेयर या प्रैप, या आपको जो है कलर देना है वाइट। ओके, कलर में यहाँ पर दे देता हूँ कलर वाइट। ओके, वाइट कलर का कोड है FF ओनली, सिंपल सा। ओके, उसके उसके फ़ॉन्ट साइज हमने देखी थी, फ़ॉन्ट साइज थी 16 पिक्सल। ओके, और सेव करते हैं फाइल फिर से एक बार। ओके, और आ जाते हैं हमारी फाइल के ऊपर, इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देखते हो, देख सकते हैं इसकी जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अंदर आई जो है मिसिंग है, हम जो इसके अंदर जो आई लिख लेते हैं, आप देख सकते हैं टी के बाद जो आई मिसिंग है, इसे जो है हम यहाँ पर HTML के अंदर जो है आई लिख लेते हैं। ये आई रिफ्रेश सेव करते हैं, सेव करने के बाद फिर से जाते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आई आ चुका है। ओके, उसके बाद जो है उसके बाद जो आपका क्या सेक्शन है, एक बटन बना है। ओके, आपके एक बटन बनाना है ये डिस्कोर्स। ओके, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। ओके, आ जाते हैं हम HTML के फाइल में। ओके, पैराग्राफ के नीचे आपको बनाना है बटन, तो आपको सिंपल सा टैग लिखना है बटन का। ओके, और इसे जो बाहर जाकर से क्लोज करना है बटन टैग। ओके, उसके अंदर आपको लेना है एंकर। ओके, एंकर AHRF, उसके अंदर आपको जो लिंक जो भी देना है दे सकते हो। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो एंकर टैग क्लोज कर देना है। ओके, उसके अंदर आपका जो नेम था इस तरह से आप डाल सकते हो। ओके, डिस्कवर मोर, उसके बाद आप सेव करते हैं, जाकर चेक करते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है, रिफ्रेश करते हैं, देखिए बटन इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, तो बटन कुछ आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, आपको जो है इसे सबसे पहले CSS में जाते हैं, इसे स्टाइल कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं फिर से हेड के अंदर आपका जो हेड के अंदर आपका जो बटन है। ओके, बटन है, उसको आपको CSS देना है। CSS आप कुछ इस तरह से दोगे। ओके, बटन जो है आपको उसका बॉर्डर आपको जो है नन करना है। बॉर्डर सबसे पहले नन करते हैं। ओके, उसके बाद उसकी जो बैकग्राउंड है, आपने कुछ ऐसे बैकग्राउंड दिया है, आप देख सकते हो ये जो ग्रेडियंट यूज़ किया है, दो कलर का ग्रेडियंट है। ओके, ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो है बटन का बैकग्राउंड में जो है ग्रेडियंट यूज़ करना है। ओके, आपको अगर CSS आती होगी ठीक, अगर आपको बिगिनर है, आपको अगर CSS नहीं आती तो ग्रेडियंट के CSS किस तरह से लिखते हैं, तो सिंपल सा आपको जाना है गूगल के ऊपर, लिख देना है CSS जनरेटर। ओके, उसके बाद आपको जो है एक लिंक ओपन कर लेनी है जो भी आपको अच्छी सी लगे। ओके, मैं ये लिंक ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये लिंक ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी दो कलर है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, तो मेरा जो कलर थे दो, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और ग्रेडियंट यूज़ कर लेता हूँ। ये दो ग्रेडियंट दो कलर है। ओके, यहाँ से मैंने ये जो कलर है यहाँ से उठाता हूँ। ओके, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ओके, उसके बाद सेकंड वाला कलर है, यहाँ से आता हूँ और जो सेकंड वाला कलर है ये वाला, इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और जो दूसरे सेकंड इस पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ओके, दो कलर यूज़ होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करो, यहाँ पर एक CSS का कोड आएगा, आपको यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है और आपके जो कोड है यहाँ पर जाना है, आपका जो बटन का है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ओके, सिंपल सा इतना करना है, फाइल पे जाना है, सेव करना है और चेक करना है किस तरह से अप्लाई हुआ। यहाँ पर आपका फोल्डर, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दूँ। ओके, आप देख सकते हो वो जो कलर है बैकग्राउंड में आ चुका है। ओके, आपको इसके सिंपल सा आप थोड़ी सी स्टाइल देना है। ओके, इस तरह से आपकी जो स्टाइल है इसे कट कर देता हूँ मैं। इसको जो आपको थोड़ी पैडिंग देना है, फॉन्ट कलर को कलर देना है और इस तरह से पैडिंग देना है और को जो बॉर्डर रेडियस देना है। ओके, तो मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ, पहले बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, कॉर्नर के लिए बॉर्डर रेडियस देता हूँ 5 पिक्सल। ओके, उसके बाद जो पैडिंग है, पैडिंग में दे लेता हूँ 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। ओके, और रिफ्रेश करता हूँ, उसका जो कलर है वो उसका कलर था वाइट वाला कलर है उसके फॉन्ट को, तो उसका फॉन्ट का कलर दे लेता हूँ वाइट। ओके, इस तरह से FF सेव करता हूँ फाइल के अंदर जाकर। ओके, और चेक करता हूँ, अब देख सकते हो इस तरह से जो है आपका बटन तैयार हो रहा है। ओके, इस तरह से आप उसे जो इसका फॉन्ट का कलर है वो वाइट देना है। तो इसके अंदर जो है हमने कोडिंग में देख सकते हो आप HTML में बटन के अंदर एंकर टैग है, तो आपको एंकर को कलर देना होगा वाइट। ओके, तो आपको यहाँ से एक कलर कॉपी करना है, ये जो क्लास है यहाँ से मैं क्लास कॉपी करता हूँ। ओके, और नीचे आ जाता हूँ
ओके यहाँ पर इसे एंकर और इसे जो कलर है उसका कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ। ओके एफ एफ और इसके जो फॉन्ट साइज है चेक करते हैं फॉन्ट साइज कितने दिए हैं हमने। ओके यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं जो फॉन्ट साइज है 20 दिए हुए। ओके तो मैं जाता हूँ सीएसएस के अंदर और फॉन्ट साइज देता हूँ 20। ओके 20 पिक्सल और फॉन्ट वेट जो है मीडियम है तो इसका जो फॉन्ट वेट है मैं कुछ 500 दे लेता हूँ। ओके सेव कर लेते हैं इसे। अब चेक करते हैं क्या हुआ है। ओके तो आप देख सकते हो उसी तरह जो है हमारा बटन यहाँ पर बन चुका है। ओके इसी तरह का ओके आप देख सकते हो। ओके सिर्फ इसके जो नीचे लाइन आ रही थी उसे आपको सीएसएस देना होती है। ओके तो यहाँ पर देना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके उसी के साथ साथ आपको देना लिस्ट स्टाइल नन। ओके लिस्ट स्टाइल नन। अब देखोगे आपको सेव करना है तो आपकी जो अंडरलाइन है नहीं आएगी। ओके रिफ्रेश करता हूँ मैं। ओके रिफ्रेश करने के बाद चेक करते हैं देखिए अंडरलाइन चली गई। ओके इस तरह से इतना तो आपका जो सेक्शन बन चुका है। ओके आप देख सकते हो इसके अंदर थोड़ा सा आपको नीचे लेना है थोड़ी सी स्पेस है इसके अंदर। ओके तो मैं जो ये पैराग्राफ था ऊपर इसे मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। जितनी आप चेक कर सकते हो कितनी मार्जिन बॉटम आपको देनी है। ओके यहाँ से आप स्पेस चेक कर सकते हो आपको देना है हाइट में 43। ओके तो आपको मार्जिन बॉटम देना है 43। ओके 43 पिक्सल। ओके आपको जाना है सेव कर लेते हैं चेक कर लेते हैं हुई या नहीं। ओके रिफ्रेश कर तो आप देख सकते हो उसके अंदर गैप आ चुके हैं। ओके इतना सेक्शन तो हम देख सकते हैं हमारा बन चुका है। ओके सिर्फ ये जो है थोड़ी सी लाइन ज़्यादा लग रही है मुझे। ओके तो इसे थोड़ा कम कर लेते हैं अपने हिसाब से। ओके आप देख सकते हो यश टू को हमने जो मार्जिन टॉप दी थी इस तरह से इसे कम कर लेते हैं। ओके इतनी सफिशेंट लग रही है। ओके तो इसे 10 दे देते हैं। ओके हेड टू में 10 यहाँ पर जाते हैं हेड टू में जो हमने दी थी इसे जो है 10 कर लेते हैं। ओके सेव कर लेते हैं इसे। ओके और जो है रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ओके तो प्रॉपर आ चुकी। ओके उसके बाद जो हमारा आपने जो इसके जो हमने हम देख सकते हो यहाँ पर जो बैकग्राउंड थोड़ा कम लग रहा है इसकी साइज़ हम जो है बढ़ा देते हैं 500 की जगह हम जो है इसे 1000 कर लेते हैं। ओके सेव कर लेते हैं और आप देखो कि इसका बैकग्राउंड बड़ा हो चुका है। रिफ्रेश करता हूँ आप देख सकते हो बैकग्राउंड इतना सा हो चुका है। ओके अब जो है राइट साइड में हम जो है इमेज कॉल कर लेते हैं तो इस हाइट है थोड़ी आ जाएगी। ओके तो हमारा जो 6 का कॉलम था ये वाला। ओके तो इसे हम जो एक ड्यू लेते हैं सबसे पहले। ओके इसके अंदर जो है हम एक क्लास पास करते हैं। ओके जो हेड की जो IMG है हेड। ओके लेफ्ट हेड लेफ्ट या फिर हेड राइट जो है इसे हम जो CSS दे देते हैं। ओके उसके बाद जो है हम इसे इसके अंदर एक IMG टैग जो है पास करते हैं। ओके उसके बाद जो है SRC लिख देते हैं उसके अंदर जो है इमेज का पाथ जो है हम कॉल कर लेते हैं। ओके उसके अंदर जो इमेज है इमेज का जो नेम है हम जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर इसका नाम है ये जो CSS का नेम है बैनर अप इसे कॉपी करता हूँ मैं और जो यहाँ पर पेस्ट कर जो है PNG लिख देता हूँ। ओके उसके अंदर आपको जो क्लास लिखना है IMG फ्लूड जो इमेज को जो है स्टेज या फिर कुछ भी होने से बचाता है। ओके हमको यहाँ पर लिख देना है फ्लूड। ओके इस तरह से IMG फ्लूड इस तरह से। ओके सेव करते हैं जाकर चेक करते हैं इमेज आई या नहीं रिफ्रेश करते हैं। ओके आप देख सकते हैं इमेज आ चुकी है। ओके इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो इसे जो है मैनेज करने के लिए आपको इसे जो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी गैप है कितना गैप है आप मोज लेते हैं एड 123 हम उसे 100 जो है मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप दे लेते हैं। ओके यहाँ पर हम राइट क्लिक कर चेक करते हैं कितना लगेगा। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो है ये सेक्शन है। ओके इसे जो हम मार्जिन टॉप देते हैं मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। ओके तो आप देख सकते हो इस तरह से परफेक्ट आ चुका है। तो हम जो एक क्लास पास करेंगे 6 के अंदर ये जो 6 से ऊपर वाला। ओके तो इसे टेस्ट टॉप नाम देते हैं।
ये जो क्लासेस से कॉपी करते हैं, सीएसएस के अंदर जाते हैं, तो जैसे कि हमने इसे मार्जिन टॉप दिया है, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर जो इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं सेव कर लेते हैं, सेव ऑल यानी दोनों भी सेव हो जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखते हैं अप्लाई हुआ नहीं, देखिए अप्लाई हो चुका है। इस तरह से डिज़ाइन दिख रहा है। अब चेक करते हैं कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है या हमारे इसके अंदर। यहाँ से इतना है, यहाँ पर जो इतना इस तरह है, तो हिसाब से तो प्रॉपर आ चुकी है, लेकिन जो हमारा बैनर है कुछ इस तरह से इतना बैनर है, और हमारा जो दिख रहा है पूरा बैनर दिख रहा है, तो इसकी जो हाइट है हम थोड़ी कम करते हैं। इसकी जो हाइट है, ये जो बैनर की हाइट है, 1000 की जगह हम इसे जो कम कर कर देखते यहाँ तक आएंगे, इतने से चल जाएंगे हमें जो है, इतना चल जाएगा इस तरह से, 836 से 830 कर लेते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर 830 इतनी ठीक है। हाइट हम देख सकते हैं इस तरह से इतनी ठीक है। तो मैं जाता हूँ ये जो 1000 है यहाँ से जो 830 कर देता हूँ, इसे सेव कर लेते हैं। फिर से चेक करते हैं अप्लाई हुई या नहीं, अप्लाई हो चुकी है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो अब देखते हैं हमारा बैनर किस तरह से बना है। इस तरह से है, इस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा भी कुछ इस तरह से, राइट परफेक्ट बन चुका है, आप देख सकते हो इस तरह से हमने जो बैनर सेक्शन है यहाँ से बना लिया है। इस तरह से उसके बाद अब नीचे आते कुछ हमारे ये सेक्शन है, ये सेक्शन बनाना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो फिर से पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है कॉल कर लेना होगा, इस पर जो टेक्स्ट से डाल लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना है कोड में, कोड में जाने के बाद आप जो है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया था, आपको जो है सेक्शन इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन बनाने के पहले जो है एक कंटेनर बना लेना है, एक कंटेनर देना है, उसके बाद जो है आपको जो है एक कंटेनर फ्लूड लेना है, कंटेनर लेना है, रो लेना है। इतना सेक्शन जो मैं न्यू सेक्शन बना रहा हूँ नीचे का, आप देख सकते हो आप, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन मैं बना रहा हूँ, ये वाला सेक्शन। कंट्रोल मोड इस तरह से इतना सेक्शन में हमें बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक कंटेनर फ्लू लेना है, कंटेनर रो लेना है। इस तरह से इसके अंदर, इसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर डालना है आपको डालना है। तो सबसे पहले मैं जो है एक इमेज कॉल कर लेता हूँ बैकग्राउंड की। तो जैसे कि सेकंड बैनर आप जो नाम है इसे दे लेता हूँ सेकंड बैनर। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और सी एस एस में जाता हूँ और यहाँ पर जो है इस तरह से। इसे मैं इसे लिखता हूँ, अब जो बैकग्राउंड को हमें कॉल करना है आपको लिखना है बैकग्राउंड। इस तरह से बैकग्राउंड, उसके बाद डबल कोड के बाद आपको लिखना है यू आर एल, जैसे हमने ऊपर लिखा था यहाँ पर जो है, या फिर आपको सिंपल सा इसे भी कॉपी कर लेते हैं। ऐसे आप सिंपल से इसे भी कॉपी कर सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ से नेम बदलना होगा। इमेज का जो नेम है, इमेज कुछ इस तरह से थी, जो हम फोल्डर में जाकर देखते हैं ये इमेज है, बॉटम नेम दिया गया है, इसे कॉपी कर लेते हैं नेम। और हमारा जो कोड है यहाँ पर जो है, ये जो इमेज का नेम है बॉटम दे देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर नेम चेंज हो चुका है, और हमें जो हाइट की जो है हाइट बिट नहीं चाहिए। जैसे हम जो हाइट काट लेते थोड़े देर के लिए। इस तरह से इसे सेव कर लेते हैं, जाते हैं चेक करते हैं हमारे फोल्डर में यहाँ पर। ये बैकग्राउंड का आ चुकी होगी, इसे हमें हाइट नहीं दे इसलिए दिखाई नहीं दे रही। हम क्या करते हैं इस पर जब सेक्शन डालेंगे, ये जो सेक्शन है हम डालेंगे तो अपने आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम जो है यहाँ पर जो ये टेक्स्ट सी एस एस लिख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल यस कर देते हैं, इसके अंदर हमको जो है तो सबसे पहले एक ड्यू ले लेते हैं, ड्यू क्लास फीचर नाम से। जो भी आपको जिस तरह से नाम देना है आप दे सकते हो, स्पेलिंग गलत हो फिर भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो है अच्छे से लिखना। मैं यहाँ पर फीचर्स जो नेम है
ओके यहाँ पर फीचर सर्विसेस नेम दे देता हूँ इस तरह से। ओके यहाँ से जो मैं इसे क्लोज करता हूँ वो ड्यू भी क्लोज हो जाएगा। ओके यहाँ से एंटर दे देना है। ओके यहाँ से आप सबसे पहले आपको जो भी आप लेना चाहते हो पी और पैराग्राफ लेना चाहते हो तो आप पैराग्राफ ले सकते हो या फिर आप जो है H6 भी ले सकते हैं, सबसे छोटा जो होता है। ओके टैग इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके और जो है आप जो है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं फ्यूचर सर्विस, यहाँ से सेव ऑल कर देते हैं। आते चेक करते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये आ चुका है। ओके तो आपको जो है फोल्डर के अंदर इसे कलर किस तरह से दिया गया है आप देख सकते हो। ओके जो कलर है इस तरह से ये कलर है, फॉन्ट साइज 18 है, यहाँ से आपको कलर कॉपी कर लेना है। ओके सीएसएस के अंदर जाते हैं, ये जो क्लास है इसके अंदर CSS6 है, तो यहाँ से जाते हैं। ओके इसके अंदर आपने लिखा है H6। ओके इसका जो फॉन्ट था इस फॉन्ट साइज था 18 पिक्सल। ओके और कलर कोड फिर से आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से जाना है फोटोशॉप के अंदर, आपको ये कॉपी कर लेना है कलर कोड और यहाँ पर जो है यहाँ पर जाना है लिखना है कलर। ओके उसके बाद लिखना है हैश और कॉपी पेस्ट कर देना है वो कलर, सेव करते हैं। ओके ओके जाकर चेक करते हैं। ओके रिफ्रेश करते हैं, देखिए कलर तो आ चुका है। ओके तो आपको इसे सेंटर करना है। ओके तो आपको जो यहाँ पर जाना है, ओके तो हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके इस तरह से और रिफ्रेश करते या फिर सेव करते हैं इसे। ओके आते यहाँ पर आते ब्राउज़र के ऊपर और चेक करते हैं। ओके ये सेंटर नहीं आया। ओके सबसे पहले हम जो इमेज जो बैकग्राउंड में कॉल की थी उसका देख लेते हैं क्या हुआ, आया ही नहीं। ओके ये सेकंड इमेज है। ओके इमेज तो आ चुकी है, इसमें थोड़ी देर के लिए हाइट दे देता हूँ ताकि हमें वो दिखाई दे। ओके यहाँ से मैं हाइट दे देता हूँ 5 पिक्सल, सेव कर लेता हूँ इसे। ओके सेव करने के बाद जाता हूँ ब्राउज़र पे चेक करता हूँ। ओके तो आप देख सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया आ चुकी है। ओके तो इसे हमें हाइट नहीं देना है। ओके यहाँ से मैं इसे हाइट यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर जो है ये नहीं दिखाई दे रही है। ओके तो विड्थ जो है आस्किन निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए विड्थ। ओके रिफ्रेश करते हैं। ओके इस तरह से दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड जो इसकी सी से चेक करते हैं बैकग्राउंड साइज के ऊपर हाइट ये जो हम थोड़ा सा देते हैं 200 पिक्सल लेकर देखते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके तो थोड़ी देर इसकी हाइट जो है हम निकाल लेते हैं। ओके हाइट निकालने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे। ओके तो आपको क्या करना है, आपको देना है पैडिंग। ओके पैडिंग दे लेते हैं इसे हम जो है पैडिंग देते हैं फिर से। ओके रिफ्रेश करते हैं। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में। ओके तो हम जो इसे सेंटर में लेते हैं। ओके तो सेंटर में लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर जो CSS है फ्यूचर सर्विस, ओके इसे कॉपी करता हूँ मैं। ओके और जो यहाँ पर जो है इसे पेस्ट करता हूँ और आपको यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके और आगे लिखना है मार्जिन जीरो और आगे एड। ओके उसके बाद करना है सेव। सेव करने के बाद आप जाकर देख सकते हो रिफ्रेश करना है। ओके तो सेंटर में आ चुका है। ओके उसके बाद जो सेक्शन है एक हेडिंग है। ओके हेडिंग ये है, फिर से आपको जाना है HTML में आपको जो हेडिंग लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो H3 लेते हैं हम। ओके इसे क्लोज करते हैं। ओके क्लोज करने के बाद जो है हेडिंग पेस्ट कर देते हैं। ओके उसके बाद सेव कर लेते हैं, इस तरह से जाते हैं ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ओके ये भी आ चुके हैं। ओके उसके बाद नीचे जो है पैराग्राफ है आप देख सकते हो
ये पैराग्राफ है। ओके तो इसे कॉपी करते हैं, जाते हैं एचटीएमएल के अंदर। ओके यहाँ लिखते हैं पी पी क्लोज पी एंड, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके सेव ऑल करते हैं, जाते ब्राउज़र पे फिर से रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये भी टेक्स्ट आ चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंडस्ट्री के बाद जो है नीचे लाइन आ चुके हैं, तो आपको भी इंडस्ट्री के ऊपर जो है बी आर डाल देना, बी आर से ये जो लाइन है ब्रेक हो जाएगी। ओके फिर से आते फाइल के ऊपर सेव ऑल करते जाते रिफ्रेश करते, तो आप देख सकते हो इंडस्ट्री के यहाँ पर आ चुके हैं। ओके इसे आपको अगर नीचे लेना है थोड़ा सा, ओके आप देख सकते हैं यहाँ से ये इतना गैप है, तो आपको मार्जिन पैडिंग टॉप देनी है। यहाँ पर जितनी दी गई उतनी पिक्सल आप दे सकते हो। ओके तो 136 पिक्सल हैं, कंट्रोल डी करता हूँ। ओके आप यहाँ पर जाना है जो फीचर सर्विस है, यहाँ पर आपको लिखना है पैडिंग टॉप 136 पिक्सल। ओके यहाँ पर जाना है फिर से ऑल पे सेव करना है, जाना है ब्राउज़र फिर से रिफ्रेश करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये जो है नीचे आ चुके हैं। उसके नीचे आप देख सकते हो एक बैकग्राउंड भी हमने कॉल किया है। ओके तो कुछ इस तरह से वो हो रहा है, तो हम इसकी जो है बैकग्राउंड साइज कवर निकालते हैं। ओके किस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह बैकग्राउंड है हम बाद में आएंगे, क्योंकि ये जो डालने के बाद आपको दिखाई देगा किस तरह से ये जो है दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसे निकाल ही डालते हैं, तो हम इसे बाद में कॉल करेंगे तो समझ में आएगा किस तरह से। ओके रिफ्रेश करते इसे निकालते हैं, कंट्रोल यस करते हैं, या फिर आप जो है फाइल के अंदर जाकर सेव कर सकते हैं। ओके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके तो आप देख सकते हैं पिछला बैकग्राउंड निकल चुका है। ओके उसके बाद आप अगर नीचे का सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 कॉलम है। ओके चार कॉलम के अंदर जो है आपको जो है कोडिंग करनी है। ओके तो सबसे पहले आपको कैसा कर सकते हो आप, ओके तो आपको चार कॉलम का पहले आपको मोबाइल व्यू के हिसाब से देखना है कि कॉल 12 कॉलम होते हैं, तो ये आपको जो चार कॉलम बनाते हैं कॉलम जो है 3 दिन का एक कॉलम हो जाएगा। ओके तो आपको जाना है कोडिंग के अंदर। ओके जो आपका रो है यहाँ पर रो फिर से एक रो ले लेना है, डिव क्लास रो। ओके रो के अंदर इस तरह से जो गलत हो गया है, ड्यू क्लास आपको प्रॉपर टाइप करना है ड्यू। ओके तो फिर से मैं टाइप कर देता हूँ ड्यू क्लास रो। ओके मैं इसे जो बाहर आकर क्लोज कर देता हूँ तो क्लोज हो जाएगा, इंटर दे देता हूँ। यहाँ से आपको जो है कॉलम बनाना है। ओके तो आप देख सकते हो आपको चार कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4, तो आपका जो बूटस्ट्रैप का क्लास है कॉलम डी 3 आएगा। ओके यहाँ से मैं कॉल करता हूँ कॉल एम डी 3। ओके और यहाँ पर जो है इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एक कॉलम बन चुका है इस तरह से। ओके तो आपके जैसा एक कॉलम होगा, जैसा आप एक कॉलम बनाओगे तो इसे आप कॉपी पेस्ट कर कर जो है चार कॉलम बना सकते हो। सबसे पहले हम ये पहला वाला कॉलम बना लेते हैं। ओके पहला वाला कॉलम बनाने से क्या होगा, जो है हमें इसे रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ हमें जो टेक्स्ट बदलने का काम होगा। ओके तो सबसे पहले ये जो पहला वाला मैं बना लेता हूँ। ओके तो सबसे पहले इसे जूम कर लेता हूँ। ओके सबसे पहले आप देख सकते हैं एक ड्यू है, एक ड्यू ले लेते हैं हम जो वाइट नाम दे देता हूँ इसे मैं। ओके यहाँ से एक ड्यू लेता हूँ, ड्यू क्लास वाइट नाम दे देता हूँ इसे मैं। ओके इस ड्यू को ओके उसके बाद इसे क्लोज कर लेता हूँ। ओके सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक आइकॉन है, एक हेडिंग और पैराग्राफ है। ओके तो आइकॉन आपको लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले फॉन्ट ऑसम से। ओके फॉन्ट ऑसम पर इस तरह से इस साइज में। ओके तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, और आप जो है सबसे पहले आपको जो इस तरह से बनाना है, तो आप जो है सबसे पहले हम एक आइकॉन पास कर लेते हैं, ये जाकर सेटिंग का आइकॉन है। ओके यहाँ पर जाकर सर्च कर लेना है आपको जो है आइकॉन सेटिंग। ओके तो आप देख सकते हो सेटिंग की स्पेलिंग प्रॉपर लिखना है। ओके इस तरह से, और जो यहाँ पर आ जाओगे इसे आप गियर का है इसे क्लिक करना है, आपको जो एचटीएमएल चाहिए था आपको जो है यहाँ से इसे कॉपी करना है। ओके कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर आ गए। ओके यहाँ पर आ चुका हूँ। ओके यहाँ से मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके
उसके बाद आपको हेडिंग लेना है। ओके, जो हेडिंग है आप देख सकते हैं, ये जो हेडिंग है इसे यहाँ से आप कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, फिर यहाँ पर जो H4 डालता हूँ। ओके, H4 और H4 क्लोज कर देता हूँ। ओके, उसके अंदर जो है आपका टेक्स्ट पास कर देता हूँ। ओके, फिर से आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप है पैराग्राफ। ओके, इसे भी आप यहाँ से कॉपी कर लेना है। ओके, और यहाँ पर आप जो है पी टैग के अंदर इसे डाल देना है। ओके, इस तरह से मैंने डाला। अब मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ किस तरह से अप्लाई हुआ है। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको CSS देनी है। ओके, तो आपको जो CSS आपने दी है इस तरह से, इसे दिया बॉक्स शैडो। ओके, अगर आपको CSS आती हो तो आप लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल सा जा सकते हो गूगल के ऊपर, यहाँ पर लिखना है बॉक्स शैडो। ओके, बैक बॉक्स शैडो जनरेटर। ओके, इस तरह से आपको बॉक्स शैडो जनरेटर लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सबसे पहले एक लिंक ओपन कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर CSS आ चुके हैं। आपने जिस तरह से चारों बाजू से इसे लिंक कर लेना है एडजस्ट, इस तरह से आपके जिस तरह से भी आपके बॉर्डर हैं, जो भी आपको बॉर्डर है ऐसे आपको कॉपी कर लेना है। ये वाले आपके जो है ब्लैक टाइप है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ब्लैक टाइप यहाँ से इस तरह से। ओके, इस तरह से आपको फिर ये CSS यहाँ से कॉपी कर लेनी है। ओके, या फिर इस तरह से। ओके, कॉपी कर ली मैंने। अब आता हूँ मेरा CSS फोल्डर। यहाँ पर आपका जो फोल्ड क्लास का नाम है वाइट, आपको देना है वाइट को, वाइट को CSS देना है बॉक्स शैडो। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ वाइट, और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से सेव कर लेता हूँ इसे, और चेक करता हूँ किस तरह से अप्लाई हुई है। ओके, रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है बॉक्स शैडो आ चुकी है। ना, ना जाओगे।
कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है जो फॉन्ट या कलर चेंज कर लेना। पूरी देखेंगे उसको मुंह में कुछ भी डाला ना बहुत तेरा मुंह पड़ूंगा।